Hello friends, this is Nilesh Kumar. Welcome to my channel English Attack with Nilesh Kumar. हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलेश कुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आप सबके अपने चैनल इंग्लिश अटैक विद नीलेश कुमार में। तो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम टिप्स फॉर इंटरव्यू। दिस मींस हाउ इंटरव्यूज आर फेस्ड। वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न सम टिप्स अबाउट दैट। यू नो आई हैव रिटन सम पॉइंट्स ऑफ द इंटरव्यूज, हाउ टू फेस द इंटरव्यूज एंड एट द टाइम ऑफ फेसिंग इंटरव्यूज हाउ यू शुड सिट, हाउ यू शुड टॉक एंड हाउ यू शुड बिहेव, हाउ यू शुड एड योर आंसर, मेनी अदर थिंग्स आई हैव ऑल्सो एडेड। ठीक है, सो बिफोर मेकिंग यू अंडरस्टैंड अबाउट द टिप्स ऑफ द इंटरव्यूज, आई वुड लाइक टू टेल यू सम थिंग्स, सम important thing about myself, you know, that is you may have seen or you always see when I teach you in my YouTube videos, you know, I just be serious. You always see me serious while teaching, you know, that there is reason behind it. You know, I have seen many teachers, some of them cut jokes that looks awkward, you know, and I don't like teach like that, you know. So I want to teach you something in a different way, to be serious, you know, because one thing I think that if you are serious, then you will be able to understand something. If you are not seriously learning something, if you are not taking anything seriously, something seriously, then it may be that you will not be able to learn and achieve something about that. So that's why I try to be serious, so that seriously you would also try to learn that thing seriously, you know. So these were some points that I wanted to share, ki you have seen me while teaching in my videos, you know, you have seen me serious, but I am not like that. I also cut jokes, I also laugh, and when I be with my family's children and friends, you know, lekin hame yahan ko sikhna hai. इस YouTube में हम आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। This means what? This means you have to learn something seriously. इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ जोक कट करूँ और कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स ऐड करूँ अपने चैनल को ज़्यादा यू नो हाईलाइट करने के लिए। सच थिंग्स आई डोंट वॉन्ट। ठीक है, आई एम ऑनेस्ट टूवर्ड्स माई टीचिंग एंड यू ऑल्सो हैव टू बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स योर लर्निंग एंड अचीविंग द थिंग्स आई एम वट एवर आई टीच यू, यू नो, एंड लाइक दैट यू विल बी एबल टू लर्न मेनी थिंग्स एंड यू विल हैव अ गुड नॉलेज, अ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ English, you know, I promise you that. And just go ahead, be with me like this, and you will also go ahead in the field of English, you know. तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इंटरव्यूज। दिस मीन्स हम इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं, फेस करने से पहले, वाइल फेसिंग द इंटरव्यूज, वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ द इंटरव्यूअर्स, यू नो, एंड वाइल सिटिंग, हाउ वी हैव टू डू द थिंग्स, हाउ वी हैव टू फेस द इंटरव्यूअर्स, यू नो, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड। जनरली आजकल शॉर्ट वीडियोज को पसंद किया जाता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आप सीख जाएं। ठीक है, तो बस वैसे ही मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ टिप्स दे दूं अबाउट इंटरव्यूज। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो मेन पॉइंट्स क्या है दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड्स बिफोर फेसिंग द इंटरव्यूज। ठीक है, आइए देखते हैं। ये है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? अराइव ऑन टाइम। यू हैव टू अराइव ऑन टाइम फॉर द इंटरव्यूज, यू नो। यू हैव टू बी रिलैक्स्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड। If you are pre-prepared, well-prepared for the interviews, then it will be better for you. So, that is the first point. The second point is what? Be in formal dress. You have to be in well-formal dress. And dress should be neat and clean. ठीक है? And the third point is what? Your shoes should be well-polished. Fourth one is what? Be authentic, focused, confident, candid and concise. ठीक है, फिफ्थ वन इज यू डोंट हैव टू च्यू एनीथिंग। इफ यू आर गोइंग टू फेस द इंटरव्यू देन डू नॉट च्यू एनीथिंग लाइक च्युइंगम, माउथ फ्रेशनर एंड एनीथिंग लाइक दिस, यू नो। द सिक्स्थ पॉइंट इज वॉट? डोंट एंटर विदाउट परमिशन। यू डोंट हैव टू एंटर द रूम विदाउट परमिशन। यू मे बी डिसक्वालिफाइड फॉर दैट एट द सेम मोमेंट वेन यू डू सो। ठीक है, तो कभी भी जब आप इंटरव्यू फेस करने जाते हो तो बिना परमिशन अंदर मत जाइए। ठीक है, नहीं तो एट द सेम मोमेंट उसी समय आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है।
The seventh point is what? Don't forget to wish the interviewers after entering the room. ठीक है, जैसे ही आप रूम में एंटर करते हो, you have to wish the interviewers. ठीक है. Question number 8, very important point. That is what? Remember not to sit unless and until you are told. This means what? जब तक आपको कहा न जाए, आप जब अंदर एंटर करते हो, तो जब तक आपसे कहा न जाए बैठने को, you don't have to sit. Remember that. That's a very main point, very important point for you, you know. तो कभी भी जब आप इंटरव्यू फेस करने जाते हो, बिना परमिशन अंदर ना जाए, और जब अंदर आपको बुलाया जाता है, तो without permission, जब तक आपको कहा ना जाए, have a seat, please, you do not have to sit. आपको बैठना नहीं है, ठीक है? Ninth point is what? Sit properly, straight. You have to sit straight, you have to sit properly. Your hands should be on your knees. घुटनों पे अपना हाथ रखे और स्ट्रेट होके बैठे आप, ठीक है? Don't slouch your body. You don't have to slouch your body. अपने बॉडी को slouch मत करे, इधर उधर टेढ़े मेढ़े हिलाए डुलाए नहीं, ठीक है? Your eye contact should be with the interviewers, ठीक है? आप अपने आई कॉन्टेक्ट उनके साथ बना के रखिए. एंड द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वॉट? यू हैव टू आंसर द ओनली मेन पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चंस दैट द क्वेश्चंस यू आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर्स. यू हैव टू आंसर ओनली द मेन पॉइंट्स. सिर्फ मेन पॉइंट्स का ही आंसर दे. अपने मन से कुछ भी एक्स्ट्रा यू डोंट हैव टू एड इन योर आंसर, ठीक है? And while answering, you have to be formal and polite. ठीक है, with a smiling face. ठीक है. So friends, these were some important and main points for facing the interviews. आप इन points को याद रखिए. And remember, you will always be qualified, and you will always be selected when you remember these points, these important points. ठीक है. With this hope that आपको मेरा way of teaching पसंद आया होगा. Till then, bye. And till then, you have to keep watching my videos. And please don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. Thanks.